इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल हाईवे 44 खाटू श्याम मंदिर के सामने और यहाँ पर साईं मंदिर की तरफ से एक करीब 60 वर्षीय बुजुर्ग जो महिला सड़क पार कर रही थी उसी दौरान एक फॉर्चूनर कार जिसका नंबर DL1CR4866 बताया जा रहा है उसने उस महिला को ज़ोरदार टक्कर मारी और महिला को टक्कर मारने के बाद फॉर्चूनर चालक यहाँ से फरार हो गया। ये बात यहाँ पर खड़े चश्मदीदों ने दिल्ली पुलिस को बताई है जिसको लेकर दिल्ली पुलिस जो है आरोपी गाड़ी चालक की तलाश में जुटी है। आकाश जी कॉल मिली थी, क्या कॉल थी? कॉल ये एक्सीडेंट की थी अलीपुर खाटू श्याम मंदिर के सामने से जी। क्या जी एक्सीडेंट मिला और ये पेशेंट डेड है। उम्र तकरीबन इसकी 55-60 के करीब होगी। पेशेंट मिला सीन पर, PCR भी अवेलेबल, एम्बुलेंस भी आ गई, पेशेंट डेड है। महिला है। पहचान हो पाई? नहीं, कोई पहचान नहीं हो पाई अभी तो इनकी। क्या नाम है सर? राजकुमार। क्या मामला है सर, कैसे क्या एक्सीडेंट हुआ? था जी, मैं दिल्ली से और सोनपुर की तरफ जा रहा था तो अलीपुर खाटू श्याम मंदिर के पास में दो वर्ग लेडीज़ हैं, अप्रोक्स 50 ईयर्स की एक है और एक 70 के आसपास की है, वो रास्ते में रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो के गिरे हुए थे। उनको देख के बड़ा गाड़ियाँ इकट्ठी खड़ी हुई थी, उनको देख के मैं रुका हूँ। रुकने के बाद उनको गाड़ी में कोई लेने वाला था नहीं, एम्बुलेंस का टाइम लग गया और सीरियस केस था तो मैं एक लेडी जो जिंदा थी उनको मैं गाड़ी में अपनी ले के, दूसरी लेडीज वो एक्सपायर हमने देखा है तो वो एक्सपायर हो चुकी हैं, रोड के ऊपर ही थी। अभी ये सीरियस है? ये सीरियस है और इनको मैं लेके अमरेला हॉस्पिटल में आया हूँ और यहाँ पे अभी कंडीशन इनकी ठीक है, इनके मदर फादर को इन्फॉर्म कर दिया। कैसे क्या हुआ? अरे उस रोड पे जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो हमेशा ख़त्म ही हो जाता है, वो हाईवे रोड है, बहुत ज़्यादा चलता है, एकदम रोड क्रॉसिंग किया। ये कहाँ की घटना है? ये खाटू श्याम अलीपुर मंदिर की। उन्होंने रोड को क्रॉस किया, उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया और एक लेडीज़ तो ज़्यादा मतलब ये तो सीरियस ही है, वो तो ख़त्म हो गई डायरेक्ट इसकी वजह से। ये गाड़ी इतनी बुरी चलाता वो तो रुका ही नहीं है जो एक्सीडेंट करके गया इसकी वजह से, तो ये प्रॉब्लम चल रही है। जो हालात है वो आप देख सकते हैं क्योंकि हादसे के बाद ट्रैफिक पूरा जाम हो गया है जिसको लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस लगातार सुचारू रूप से ट्रैफिक को भी चला रही है और हालात जो है वो आप देख सकते हैं, महिला का शव सड़क किनारे पड़ा है और फॉर्चूनर चालक जो है टक्कर मारकर यहां से फरार हो गया। मामले की जानकारी कैट्स एम्बुलेंस को भी दी गई जिसके बाद कैट्स एम्बुलेंस के जो ड्राइवर हैं और वो मौके पर आए हैं टीम, वो भी मामले की जाँच पड़ताल कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि महिला जो है ऑन द स्पॉट डेड हो चुकी है जिसको लेकर अब दिल्ली पुलिस जो है वो कार्रवाई में जुटी है और आरोपी फॉर्चूनर कार चालक की तलाश में जुटी है। दिल्ली से नीति सैन के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।